हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर हमारी डेली लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता देता हूँ जो कि आप 2 सेकेंड के अंदर अंदर कैलकुलेशन आप कर लेंगे। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि किसी भी नंबर को आप स्क्वायर कैसे करेंगे। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था, 2432 का स्क्वायर, है ना? 2432 का स्क्वायर हमें बताना था। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर या तो ये 243 एक अलग पेयर ले लो, या तो 2 एक अलग पेयर ले लो, लेकिन 243 का स्क्वायर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो का पेयर ले लेते हैं। क्लियर? जैसे कि 24 और 32, तो ये क्या हो गया, 24 प्लस 32 का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। कल ही मैंने आपको निकाल के बताया था 24 का स्क्वायर कितना होता है सर, 576 प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 × 24 × 32 कितना हो जाएगा सर, 24 × 32 × 2, 1536। अब मैंने ये ओरली कैसे कर लिया 1536, ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम माइंड में ही कैसे कर लेंगे। क्लियर? बस शर्त क्या है, आप लोगों को बने रहना है। अब 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर बताइए, 1024। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है चीज़ों को। तो देखो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, दो दो डिजिट लिया है ना, दो दो डिजिट, हमने दो दो का डिजिट का हमने पेयर बनाया, तो बस यहाँ पर भी हम लोग यूनिट डिजिट क्या लेंगे, मतलब आखिरी की जो डिजिट है वो क्या लेंगे, दो लेंगे। क्लियर? मतलब हम लोग टू डिजिट्स लेंगे लास्ट की, तो लास्ट की टू डिजिट्स हमने ले ली 24। अब ये जो 10 है ये मैं यहाँ कैरी दे देता हूँ, तो 36 में 10 ऐड करोगे तो 46 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो फिर से मैंने यहाँ पर दो पेयर ले लिया 46। अब ये जो 15 है ये यहाँ पर ऐड कर दो, तो 76 प्लस 15 कितना हो जाएगा सर, 76 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 91। क्लियर? और ये 5 वैसा का वैसा ही, तो कितना आ गया सर, 5914624। क्लियर? 5914624 क्या होता है, 2432 का होल स्क्वायर होता है। अब यही चीज़ देखो, अभी मैंने समझाया तो इतना टाइम लगा, लेकिन यकीन मानो जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब 2432 को अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाते तो देखो कितना समय लग जाता, 4 3 2 6, 4 2 8, 2 2 4 × 3 2 6, 3 3 9, ठीक है ना, 4 3 12, 3 2 6 और फिर ये 7। तो देखो ये ऐसे करने में फिर कितना समय लग रहा है ना, फिर हम इसको क्या करेंगे, फाइनली ऐड करेंगे, तो ये बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन यकीन मानो जब आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कभी भी अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो जो कि 100 के आसपास हो, वो नंबर, वो क्या हो नंबर, 100 के आसपास, मतलब 100 के पहले हो, है ना, या फिर 100 के बाद में हो, आसपास हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया सर कि 104 का स्क्वायर क्या होगा, क्या बताना है मुझे, 104 का स्क्वायर। तो देखो अब हम वहाँ पर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि मैंने यहाँ पर 4 एक पेयर ले लिया और 10 एक पेयर ले लिया, तो 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हम इसको ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। जब कभी भी अगर 100 के आसपास का कोई नंबर अगर स्क्वायर करने को कह रहा है ना, तो देखो कितनी ईजी मेथड है, कभी भी अगर ऐसा नंबर कह रहा है जो कि 100 के आसपास है, उसका हमें स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, देखो ये जो 104 है ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4, कितना ज्यादा है भैया, 4 ज्यादा है 100 से, है ना, 104। तो बस आप इस 4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कितना होता है 4 का स्क्वायर, 16, मैंने यहाँ लिख लिया 16। अब आपको क्या करना है, इस 104 और इस 4 को क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना होता है, 108, कितना होता है, 108। तो बस इसको यहाँ आगे लिख लो, 108, बस यही है 104 का स्क्वायर। अब आप इसको ऐसा भी निकाल के देख लो, 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2ab
क्लियर ना, 80 + b² 16, देखो तब भी ये कितना आ रहा है यहाँ से आपका 1081, तब भी आपका कितना आ रहा है 10816, ठीक। और अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तब भी कितना आएगा 10816, क्लियर। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लिया 106 का स्क्वायर, क्या ले रहा हूँ मैं 106 का स्क्वायर, कैसे सॉल्व करोगे 106, जैसे ही मैंने देखा मुझे 106 का स्क्वायर करना है, ये 106 तो 100 के आसपास है, तो हम क्या करेंगे, कितना ज्यादा है 100 से, 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो बस ये जो 6 है इसका मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, कितना होता है 36, इस 106 को इस 6 से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर 112, बस इसको आगे लिख दो, यही है 11236 106 का स्क्वायर। 11236 क्या है सर, 106 का स्क्वायर है, देख रहे हो आप कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया सर 116 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर कैसे करूँगा मैं, कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये 16 ज़्यादा है, क्लियर। तो जैसे ही मैंने देखा कि ये तो 100 से तो 16 ज्यादा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, मैंने यहाँ पर लिख लिया सर 256, ठीक, मैंने यहाँ के लिख लिया 256। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, 116 को 16 से क्या कर देता हूँ मैं ऐड, तो जैसे ही मैंने करा तो ये तो 6 6 12 और ये 3 और एक ये 1, तो 132 आ रहा है, कितना आ रहा है 132। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमने दो डिजिट है ना, यहाँ पर 16 क्या है दो डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे सर दो डिजिट ही लेंगे, बाकी वाले को क्या करेंगे हम कैरी करेंगे, तो इस 2 को क्या कर दूंगा मैं कैरी दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा सर 13, ये 2 + 2 तो 4 हो जाएगा और ये 5 6, तो बस 116 का स्क्वायर क्या होता है 13456, क्लियर हो गया सभी लोगों को, इतनी चीज़ क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम 100 के पहले वाला कोई सा नंबर ले लेते हैं, 100 के पहले वाला नंबर कैसे, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 96 का स्क्वायर कितना होगा, तो मुझे पता है कि 96 100 के आसपास है और मुझे इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये कितना कम है 100 से, कितना कम है 4 कम है, इस 4 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, कितना होता है 16, ठीक, 96 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा 92, तो बस आगे लिख दो 92, तो बस 9216 क्या होता है सर 96 का स्क्वायर होता है। अरे क्लियर हो गया सभी लोगों को, मैंने आपको कहा 89 का स्क्वायर क्या होगा, किसका 89 का स्क्वायर, मुझे पता है कि 89 क्या है, 89 क्या है ये 100 के आसपास है, कितना कम है 100 से, कितना कम है 100 से 11 कम है, तो मैं यहाँ पर 11 का कर दूंगा स्क्वायर 121, क्लियर। अब 89 में 11 को क्या कर दो माइनस, तो कितना आ रहा है 78, तो यहाँ पर हो गया 78। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज को समझना कि यहाँ पर स्क्वायर जो आप कर रहे हो यूनिट डिजिट कितनी है, मतलब डिजिट्स कितनी है 2 है, बट यहाँ पर तो 3 है, तो हम क्या करेंगे ये 2 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ये जो तीसरी है इसको हम क्या कर देंगे कैरी दे देंगे, तो 1 में + 8 कर दो 9 हो जाएगा, तो 7921 क्या हो गया सर 89 का स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक। तो ये तो हो गई 100 के आसपास की चीज़ें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ 50 के आसपास अगर कोई नंबर है, चाहे वो 50 के पहले हो चाहे वो 50 के बाद हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने ले लिया क्या 54 का स्क्वायर, बहुत इजी है ये भी, तो यह 50 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 50 से 4 ज़्यादा है, तो मैं इस 4 का क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाएगा सर 16, ठीक। अच्छा जैसे ही मैंने, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वही जो मेथड है सेम मेथड है, 54 में 4 + करो 58 आया 5816, ठीक। लेकिन यहाँ पर 50 बोला है, क्या बोला है 50, मतलब 100 का आधा होता है 50, तो बस यहाँ पर भी आप क्या कर दो ये जो 58 है ना इसका आधा कर दो, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करो इस 58 का आधा कर दो 16, ये जो 16 है वो तो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, तो 58 का आधा कितना होता है सर 29 होता है, तो बस 2916 क्या होता है 54 का स्क्वायर होता है, क्लियर। जैसे कि मैंने आपको कहा
मुझे बताओ 58 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, इस 8 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, 64। 58 में मैं क्या करूँगा, 8 प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 66 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको 66। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3364। ये क्या होता है, 58 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 46 का स्क्वायर कितना होगा, तो 46 50 से कितना कम है, 4 कम है 46। तो बस यहाँ पर आप 4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 16। 46 में से 4 गए कितना होता है, 42। 42 को क्या कर दो, 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, 2116, है ना, 16 वैसा का वैसे ही। तो 2116 क्या होता है, 46 का स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूँ, बिल्कुल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोगों को होमवर्क का आंसर कहाँ देना है सर, कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क क्या क्या है लिख लो। ठीक। आपको पहले तो बताना है कि 112 का स्क्वायर कितना होगा, इसी मेथड से करके देखना है एक बार। दूसरा, 92 का स्क्वायर कितना होगा। तीसरा, 62 का स्क्वायर कितना होगा। और चौथा होमवर्क है क्या, कि 43 का स्क्वायर कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैसे कि सपोज 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है, 35 का निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट में अगर 5 है और सामने कोई भी नंबर है तो मैं उसका स्क्वायर कैसे निकालूंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने आपको बोला 15 का स्क्वायर कितना होगा, ये देखना, ये आंसर चुटकियों में आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, चुटकियों में आएगा 625, आराम से। इसका आंसर आ जाएगा 1225, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना, 225। सिर्फ देखते से ही आंसर आने वाले हैं इसके। क्लियर हो गया। फिर मैं आपसे पूछूंगा 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, मतलब जिसकी यूनिट डिजिट में 5 है उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखना चुटकियों में इसके आंसर आएंगे। क्लियर हो गया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जब तक के लिए आप इस वीडियो के होमवर्क का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, ये 4 होमवर्क हैं, इसका आंसर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, देखो अभी हमारी लाइव क्लासेज नहीं चल रही है, तो जब तक लाइव क्लासेज नहीं चल रही है तब तक हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गया। तो भैया अगर एक क्लास अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर देना। ठीक है, अभी हम लोगों को किसकी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अभी नया नया चैनल है। तो जल्दी से इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।